छोड़ूंगी नहीं तुझे। धमकी दे रही है। बाल के बदले बाल। अरे आपके कोई बाल काट के चला गया, उठिए। पूरे गाजियाबाद में अज्ञात चोटी कटवा की दहशत। सोती हुई महिलाओं के बाल काट लेता है। सोती हुई महिलाएं सुरक्षा बढ़ाएं, जनहित में जारी। देखिए हम एक राय देना चाहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपने मोहल्ले की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए और उसके लिए इसका उत्तरदायित्व दरोगा जी को उठाना चाहिए और इन्होंने उठा लिया है। आज से ये रात को गश्त देंगे। यार ए जी, अरे आप किससे कह रहे हैं? ये तो बिना खाए पिए लिए दिए कुछ ना करेंगे। हाँ हे भाभी, ना ऐसा नहीं है। आज हम पहरेदारी करेंगे, वो भी बिना कुछ ले दे के। गश्त लगाएंगे पूरी टीम के साथ, ठीक गए जी? तो लेकिन टीम कहाँ से लाओगे दरोगा? अरे इसी में से बना लेंगे ना आपस में ही। अरे वाह, जब दरोगा बिना कुछ लिए दिए कैसे मान गया? अरे करेंगे कहनी चच्ची, अपना बाल भी बचाना ना जुल्फ है, रात भर जाग के गश्त तो करना ही पड़ेगा। बाबू LLB, जो तुम्हारे बाल उड़ते हैं ना हवा में, उसे थोड़ा बेटा बचा के रखना, नहीं तो चोटी कटवा के हाथ में कहीं न चला जाए। दरोगा जी, अगर चोटी कटवा ये काम कर देना तो हम तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, इसके कटवाओ बाल। हम कुछ बोलना चाहते हैं। अब ये भी बोल लेंगे। इसमें आप लोगों का ही फायदा है। वो का है, हम तो बोलेंगे कि सब लोग अपने जो बाल है ना वो कटवा लीजिए। उका चोटी कटवा का टेंशन ही नहीं होगा। देखो निर्मला चाची का बिल्कुल रिलैक्स, लाजो भाभी का बिल्कुल रिलैक्स। ये हमेशा बाल काटने का बात करता है, हमको इसी पे डाउट होता है। ऐसे का देख रहा है इंसान? तुमको चोटी कटवा से डर नहीं लगता का? कोनो उपाय की हो? अब बाल को अलमीरा में तो बंद करके नहीं रख सकते ना, तो ताला लगा दिए, चाबी छुपा दिए हैं। वाह वाह वाह, का उपाय है? हमको पहले से पता होता तो हम तो अपने बाल पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा देते। अरे इनका छोड़ो, हमारा देखो, पूरा तार लगा के आए हैं। रात भर ऐसे यान कर देते हैं। अब जो भी बिजली का बाल काटेगा ना, लगेगा झटका बिजली का, वो भी जोर का, समझी? शाबाश ए बिजली, का उपाय लगाए हो? वाह, तुम्हारा तो बिल्कुल ना कटेगा, हमारा देखो। पढ़िए पढ़िए आगे क्या हुआ। हाँ। फिर उन अनजान नजरों को देखते हुए पति ने भांप लिया। अम्मा पापा, अरे बाबू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी ना तुमको सुला के आए थे। अरे मम्मी मैं भूखा बहुत। क्या क्या कर रहे हो? अरे बेटा यहाँ कहाँ तुम घुस रहे हो? क्या कर रहा है बबुआ? अरे अम्मा हमको बहुत बहुत डर लग रहा था। भय? अच्छा अब शैतानों को भी भय लगना शुरू हो गया। वाह। अरे पप्पा हाँ यार कुछ भी बोलते हो, चोटी कटवा हमारा मुंडन करके चला गया तो हम बाहुबली का टप्पा हो जाएंगे। अरे अरे, अरे क्या कर रहे? ठीक है तो तुम सो जाओ, हम कोई और ढूंढ लेते हैं। का? जगह श्रीमती जी जगह। अरे नहीं 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 पप्पा, पप्पा आज नहीं पप्पा, कल चले जाना, आज सो जाओ यहीं बगल में। सो मा सो। सही बात है, डर तो हमें भी लग रहा है। सो जाओ सो जाओ पप्पा, कंबल पप्पा सो जाओ जी। का सोच रहे हो डार्लिंग? अजय काम करो डार्लिंग, बंदूक लेके आ। काहे? काहे कि हमारी छोटी रानी हमारे साथ सोएगी। क्यों, नई हेयर स्टाइल में बड़ी रानी पसंद ना आएगा आपको जो छोटी रानी के साथ सोओगे? अरे छोटे बालों में तुम शर्मिला से उर्मिला लग रही, और भी झक्कास। जो कहा है ना कि बिना बंदूक के डकैत जैसे बिना जहर के करैत, करैत मतलब सांप, समझ गई आप?
करेक्ट। अरे हम का करी, दोनों माँ बेटी के बाल काट दिए। देखिए कैसा कलजुग आ गया है, अब मुन्नी के मम्मी का बाल भी काट रहे हैं। अरे 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 जे चोटी कटवा धुआंधार कटाई कर रहे है, बड़ा रंगीन मिजाज के हो रहे हैं ससुरा। गजब हो गया भैया, हमारे पड़ोस में एक लंबे बाल वाला कुत्ता रहता है। राजू टिस्टाल लासा होता है वो। हाँ वही वही वही, उसके भी मुंह में कपड़ा ठूस के उसके बाल को काट ले गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ पा, चोटी कटवा स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। ए पगलू, अबे साहिबक देख लो, पूछूछ बचिए उठा ले गया काट के। ए टिल्लू, अगर उसका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा ना तो तू भी बच के रहना बे गधे। चक 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 बेटा जा जा जा। जे टिल्लू सच बोल रहा है, वो हमारी साहिबा के दुम के बाल कटे। अरे जा का बात कर रहे हो तुम? अरे का हो गया हो ये? ना छोड़ेंगे चोटी कटवा को, गोली मार देंगे। जब हमारे बाल कटे थे तब तो इतना दुखना हुआ था, और आज साहिबा की पूछ कटने पे बड़ा दुख हो रहा है। अरे जब डार्लिंग हुआ था, तुम्हारा चोटी कटा था तो दिल में दर्द हुआ था, और साहिबा का कटा हो तो आंखों में चुभ रहा है। बिटिया है हमारी, चुभ रहा करो। कल सवेरे सवेरे मीटिंग बुलाओ, हम बात करेंगे सबसे। ये समझ गाओ कि ना समझ गाओ, फिर से समझा देते हैं। हम सब ने 3-3 घंटे पहरेदारी देनी है बस, और कुछ ना। जा सकते हैं आप लोग, सभा समाप्त हुई। अरे जो भाभी जी कहाँ रह गए प्रोफेसर साहब, माननीय श्री प्राध्यापक महोदय? डकैत साहब हम कहा बोले कि वो जो हम है ना पेपर वाले का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बिना पेपर पढ़े वो हल्का नहीं हो ना पाते, थोड़ी प्रॉब्लम है पेट की। ये कहा भैया? बड़ी अजीब घटनाएं हो रही हैं। वो जब हमारे यहाँ पर बाल काटे जा रहे थे ना जानवरों और इंसानों के, उसी वक्त चोटी कटवा दूसरे इलाकों में भी चोटियां काट रहा था। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि एक ही व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है। ये कोई जादूगर तो नहीं? रजब्बा, अब हमको समझ में आ गयो है कि जे कोई चोटी कटवा की आड़ में अपना काम भुना रहा है। मतलब यहाँ का चोटी कटवा ओरिजिनल नहीं है? हाँ, जब ओरिजिनल ना है, ये फर्जी है, फर्जी चोटी कटवा। और एक बार आपको हम बताएं, हमने अपने स्तर पर तहकीकात की है और हमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो चोटी कटवा है ये बाल काटता है जो काले होते हैं और जो बंधे होते हैं चोटी में। सहूलियत होती होगी चोटी काटने में, खुले बाल इधर उधर बिखर जाते होंगे। सबका काम मतलब हुआ दरोगा साहब, हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, ये चोटी कटवा हमारे बीच का कोई है। हम कह रहे थे प्रोफेसर साहब, अच्छा कि प्रशासन जो है तह तक जाकर जांच पड़ताल करेगा। अबे ओ कचरा, काहे गा रहे हो पचरा है? बहुत नाच रहे हो, चलो थाने हमारा भी मनोरंजन करो। फेंक के डंडा मारेंगे, मुंह टूट जाएगा, डिस्टर्ब कर रहा है, हट। दरोगा जी, यदि म्युनिसिपैलिटी ने प्रशासन के काम में दखल दिया हो ना, सॉरी यार, हद है ये तो। भैया पता नहीं क्यों सबके बाल कटने से इसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही है। तो भैया बड़ा अच्छा लग रहा होगा सबके बाल कट रहे। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। वो सही कह रहे हो टकलू, ये कचरवा बंदर जैसा गुलाटी भी मार रहा है और गाना भी गा रहा है। तो यही तो कहीं बाउंडर ने मचाया है। हे बबुआ, बिल्कुल सही कहे हो तुम। हाँ, उस दिन इसी ने ही धमकी दी थी। जे बात दरोगा साहब, शक तो इस पे हमको पहले से है, तुम्हारे लिए आसान है, तहकीकात शुरू कर सकते हो इससे। ओ बेटा, हैं? जी दरोगा जी। सबके बाल कट रहे हैं, तुम्हारी बत्तीसी बहुत निकल रही है। अरे कहा ही नहीं निकले दरोगा जी, बत्तीसी ना रहेंगे लंबे बाल, हाँ।
और ना होगा हमारे कैरियर में बवाल। बेटा लाल चलो ससुराल आओ। अरे दरोगा बाबू, अरे दरोगा बाबू, अरे सुनिए तो, हम कुछ नहीं किए, हम तो बस भगवान से मन्नत मांगे थे। अब सुनो तो दरोगा बाबू, हम कहा है ना, हमको जेल में बंद कर दोगे ना तो दिक्कत है, क्योंकि देश को हमारी जरूरत है। फिलहाल तो तुम्हारी बेटा अभी जेल को जरूरत है, ठीक है? अरे अरे दरोगा बाबू सुनो तो सही। बापू के पुराने पुराने हथियार निकाल के दे रही हो, ये पौधों के लिए थोड़ी होते हैं, इनके अलग से होते हैं। अब जो है यूज कर लेना बेटा, करो करो फास्ट। गुड बाय। जे मास्टर ने, इस बार हम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गए, तो माफ कर देना सारी। ठीक है ठीक है, वो हमारा दिल भी बहुत है बड़ा है, आपको माफ कर दिए जाइए। बिजली 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 बिजली, अरे का बिजली, पूरा बिजली की तार की तरह हमारा बाल काट के चोटी कटवा। बिजली का हुआ, तुम तो अपना बाल जेट प्लस सुरक्षा में रखती थी, अब बाल के किनारे किनारे बिजली की वायरिंग भी करती थी, क्या हुआ? क्या बताएं भैया, वो चोर को ना सब पता चल गया, वो ना सर्किट ऑफ कर दिया तो फिर सारा बाल काट गया। बिजली एक मिनट एक मिनट, अरे जय तो पक्का हो गया है कि जय कोई भी हो ये हमारे बीच का ही है ना, और कचरा तो पहले से ही अंदर है हिरासत में। अब ये कौन है लोकल चोटी कटवा, जे को तो पता लगाना ही पड़ोगो। इधर होगा प्रोफेसर, जरा किनारे आओ बात करनी। आओ। ए टिल्लू चल हम भी सुनेंगे। हाँ हाँ पगलू चल। अबे ओ बाबू, तुम दोनों को जब तक प्लेटफॉर्म पे लात नहीं मारेंगे तब तक अंदर नहीं जाओगे, थिएटर हो का बे? का बात करे दरोगा बाबू, हमें भी जासूस हैं और हम कानून। देखो भैया, हम लोग भी, हम दोनों भी जो है प्रशासन की मदद करना चाहते हैं, अम्मा कसम खा कर रहे हैं, जब तक ये मामला सॉल्व ना हो जाता है हम आपस में लड़ेंगे भी ना, है है पगलू ठीक ना? जे बात बा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम दोनों ही बाल कलाकार निकले तो? ए भाई झूठ बोले जवानी काम ना आए, अम्मक बाल से बहुत मोहब्बत थी हमको, बिमल चाचा घर में ना चोरी कूद के मेहंदी पत्ता तोड़ के लाते थे, अम्मक बाल में लगाते थे। अरे ये क्या बात कर रहे हो, हमें भी अपनी मम्मी के खाती बहुत कुछ किए हैं, मालूम है पड़ोस के घर में जाके मुर्गी को दो थप्पड़ मार के उसके अंडे चुरा के लाते थे बालों के लिए, और वही चले गए मम्मी। जो हथियार इस्तेमाल हो रहो है जे किसी भी औरत के पास ना हो सके। तो यार चचा ये कौन कर रहा है, किसको इससे फायदा हो सकता है, हैं? कहो प्रोफेसर साहब आप बताओ। मैं हमें नहीं पता। जे ऐसा ना होता है दरोगा, जे पता करने के लिए प्लान बनानो पड़तो है। देखिए प्लान नहीं होता, योजना होता है, इनको समझा। यार प्रोफेसर साहब अपनी योजना अपने पास रखो यार, तुम हद है। तो ध्यान से सुनो, ये समझ गए ना तुम लोग? और देखिए अगर सबने सब कुछ सही सही किया तो चोटी कटवा हमारे हाथ में होगा। बिल्कुल हाथ रहेगा पप्पा। तो एक बार जोर से बोलिए, जय भवानी जय भवानी जय भवानी जय भवानी, चोटी जय भवानी जय भवानी जय भवानी। बापू जो दरोगा आपके सुर में सुर ना मिला रहा, लगता है दरोगा जी डर गए, डर के गए हैं जे, प्रशासन के मुंह में लग गया है टेप। सुनो प्रशासन को हल्के में मत लो, प्रशासन पे उंगली मत करना, कहा है ना हमको अपने बालों से थोड़ा लगाव है। ए दरोगा जी, जे मोहल्ला में मर्दों में सबसे बड़े लंबे बाल तुम्हारी हैं, तो तुम्हें तो साथ देना पड़ोगे हैं। अरे भैया तुम्हारे पास पिस्तल है, जे अगर तुम तान दिए तो रो के चाहे गा के मुरकटवा यानी कि चोटी कटवा को पकड़नो ही पड़ोगे। बाबू ए सरेंडर, तुम अपना दूरबीन लेकर कॉलोनी पर नजर रखो, आता जाता आदमी देखकर हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक गाइस हैं? और हे ललबी तुम उस साइड में छुप जाओ भाई,
भगदड़ चाचा आप बाउंड्री के बाहर चले जाओ, जैसे ही चोटी कटुआ पकड़ाया जाएगा सब कोई बंदूक सीने पे तान देना, ठीक? और हम प्रोफेसर साहब आप एक काम करिए, कोना पकड़कर बैठ जाइए और मन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़िए, काहे कि आज हम भी बहुत डरे हुए हैं, प्लीज कोऑपरेट मी, ठीक गाइज? हैं? सब कोई अपना अपना पोजीशन ले लो, ठीक गाइज? हैं? लग रहा है कि जे इसी सीढ़ी से निकलोगे। ये पकड़ लिए, ये पकड़ लिए, ये पकड़ लिए, ये तो औरत या है, पकड़ लिए, ये सैंडर, प्रोफेसर, दरोगा से टकराई हो, मोटी चुड़ैल, इधर, इधर मक्की। रज जनानी अगर हिली तो गोली खाएगी। जे कौन है? ये? ये टकलू तुम? हदे यार, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी इतनी मोटी। जे टकलू भैया, क्यों काटे तुमने हमारे और हमारी साहिबा के बाल? हाँ? तुम्हारी वजह से हम बहुत कुटाए हैं। तुमको हम नहीं छोड़ेंगे टक्कल महाराज। बस ए गोल मुंह वाले भैया, ए का कोनु मन्नत मांगे थका कि काला जादू सीख रहे हो? हां ए टकलो, जब बता ना तो तुम्हारा टकला ही काट दें जैसे तुम चोटी काटते थे। काट दो बाप, बाल बेच के सोन पापड़ी खाता होगा जो टकलू। पगलू पहली बार सही बोला, अच्छा लगा हमको बे। हां काट दीजिए, बिना बाल टकला होकर जीने से अच्छा है कि गर्दन काट के हम जिए। ऐसे कैसे हो सकता है, बिना सर के तो मर जाओगे। टक 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 टकलू, तंग आ गए थे हम टक्कल टक्कल सुन के, जिसे देखो जब देखो टक्कल इधर आ, टक्कल पानी गिरा, टक्कल ये टक्कल वो, बताइए हेलो टक्कल हाय टक्कल, आखिर कब तक? तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया और हम रामलीला वाले के पास गए। उन्होंने हमें कहा कि वो हमें बिग बना के देंगे, वो भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्टाइल के, लेकिन उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के बाल, अलग अलग रंग के बाल चाहिए थे। तभी से हमने ठान लिया और जो मिला, जहां मिला, जैसा मिला, हमने अपने इस सरौते से उसको काटना शुरू कर दिया। बेटा हमको पहले ही लग रहा था कि जे कोई अनजाना हथियार से काटा जा रहा, काहे कि हमको सुई से लेके तलवार तक का तजुर्बा है। अरे ये बात तो है बापू, तुम्हें सब पता है। अरे तुम तो तंदूरी मुर्गी देख के बता देते हो कि कौन से नंबर के चाकू से कटी है। ये तो है जे, देखो डार्लिंग इस टकले की तो मैं तंदूरी बनाती हूँ अब, और तंदूर का कोयला हम जला देते हैं बहन, और माचिस हम लगाएंगे। अरे पहले इसको मसाला लगा के डाल देते हैं बोरी में मैरिनेट होने के लिए। चुप चुप चुप, कचरा एकदम शांत, बहस कोई नहीं करेगा, अब जो कुछ भी करना होगा प्रशासन करेगा। बाबू ये टक्कल जी, ले दे के मामला खत्म करना होगा, जीवन भर मुफ्त में खिलाओगे पान तब हम बचा देंगे तुम्हारी जान। जो आज्ञा श्रीमान।